कानून साज काउंसिल यानी एमएलसी के इंतखाबात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी के लीडर और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हलके में बीजेपी की बड़ी हार हुई है, यानी बीजेपी वाराणसी में एमएलसी का इलेक्शन हार गई है। वाराणसी टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजल्ट में समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली है, जबकि बीजेपी को शिकस्त हुई है। वाराणसी खंड यूपी एमएलसी इलेक्शन रिजल्ट में एसपी के लाल बिहारी यादव ने बीजेपी के चेत नारायण सिंह को शिकस्त दी है। वाराणसी खंड शिक्षक एमएलसी सीट पर 7766 वोट पाकर एसपी के लाल बिहारी यादव 936 वोटों से जीत गए। पीएम के पार्लिमानी हलके और बीजेपी के गढ़ में एसपी की इस बड़ी कामयाबी के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है, यानी एसपी काफी खुश है। जीत के ऐलान के साथ ही एसपी कारकुनान ने लाल बिहारी यादव को फूलों से लाद दिया। यूपी एमएलसी में जो शिक्षक निर्वाचन की सभी 6 सीटों के नतीजे आए हैं, उनमें 3 सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। 1 सीट पर माध्यमिक शिक्षा संघ शर्मा गुट और 1 सीट पर शिक्षक संघ वित्त विहीन के प्रत्याशी को जीत मिली है। लेकिन इनमें सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी को वहां शिकस्त मिली है कि जहां से वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री जीत कराते हैं, इसलिए शायद बीजेपी को ये काफ़ी बड़ा झटका लगा है और बीजेपी को सदमा भी पहुंचा है। खबर यह है कि बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार थे उन्होंने पुलिस अफसरान के साथ मारपीट की है। बहरहाल अब इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन बीजेपी को ये एक बड़ा झटका लगा है। दूसरी जानिब बीजेपी को महाराष्ट्र में भी बड़ा झटका लगा है। वहां भी एमएलसी के इलेक्शन हुए थे, जहां पर बीजेपी को बड़ी शिकस्त मिली है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिल सकी है, जबकि उसके प्रतिद्वंदी यानी शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। 1 सीट आजाद उम्मीदवार के खाते में गई है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विधान परिषद चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। फडणवीस ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का परिणाम हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हम ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ 1 सीट जीत सके। हमने महाविकास अघाड़ी शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की ताकत का आकलन करने में गलत रहे हैं। बीजेपी अपने कथित गढ़ स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में हार गई। उसकी सबसे बड़ी हार नागपुर सीट पर हुई। यहां बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गडकरी 1989 में पहली बार इस क्षेत्र से जीते थे और 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले 4 और जीत दर्ज की थी, लेकिन अब बीजेपी को वहां हार का सामना करना पड़ा है, जिसका इतराफ खुद उन्होंने किया है। तो बहरहाल ये बीजेपी के लिए एक बड़ी हार है। अब देखना यह है कि इस हार का आने वाले बाकी इलेक्शन पर क्या असर पड़ता है। डॉक्टर नाथरा खातून रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज इंडिया, नई दिल्ली।